हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू दिल मिलाज वर्ल्ड. आज एक व्लॉग बना रहे हैं एक न्यू गेम पे. उसका नाम है सन्स ऑफ द फॉरेस्ट और इसमें ये होता है कि एक हेलीकॉप्टर गिर जाता है और यहाँ पे हम लोग ना आइलैंड पे होते हैं अब हम लोग आइलैंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं ऐसे एक चीज़ उठाते हैं ई दुबा के और ये है मेरा पार्टनर हारिस इसका नाम है हारिस और अभी हम इधर उधर देख रहे हैं पहले ये मेरे हाथ में एक एक्स है और नेविगेशन है ओ ये ये क्या है ना और यहाँ पे एक लड़की है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इसको अगर गौर से देखा जाए इसके तीन टांगे हैं और तीन बाजू है और इसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है आगे दिखाएंगे अभी नहीं दिखाएंगे आगे ये देखिए यहाँ पे एक कहने बोल इसको ज़रा मारते हैं इधर आओ कि भाग गया भाग गया और आगे गए हैं तो एक ये हड्डिया का डांटा पड़ा हुआ है ये इसको क्या करें इसका सर ही नहीं है बेचारे का आगे चलते हैं हम बीच की तरफ जा रहे हैं बीच पे एक घर बनाएंगे रास्ते में हमें इतनी प्यारी सी जगह मिली है चलो मैं यहाँ से दिखाती हूँ ये देखें कितनी प्यारी जगह है ना यहाँ से जाते जाते ये थोड़ा सा आगे जाएंगे और बीच आएगा आगे वाटरफॉल भी है वाटरफॉल भी बहुत प्यारी है आगे जाके देखेंगे लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि ये क्या था ये बेरीज हैं इसको खा सकते हैं लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क लिखा हो ना तो इसका मतलब है मे भी इसमें जहर है यानी खा सकते हैं तो एक चीज़ करते हैं हम यहाँ पे सेटिंग्स में कुछ करके देखते हैं वेट लेट मी सी हाँ हारिस ने कहा है कि यहाँ पे ना सेटिंग्स में कुछ कर सकते हैं लेट मी सी उसने क्या किया ये मैं भी करती हूँ मे भी ज़्यादा जाद ज़्यादा अच्छा लग रहा हो डिफ्रेंस सिर्फ यही नज़र आया कि डार्क हो गया है देखते हैं ऐसे आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा लग रहा था देखते हैं हाँ लेकिन मुझे तो बहुत डार्क लग रहा है लेकिन आगे देखा जाए तो सीनरी बहुत प्यारी लग रही है हाँ ये हारिस का सर इतना बड़ा हो गया <laughs> क्यूट तो पीछे हमारा ये हेल्पर है इसको हमने यानी कि रेस्क्यू किया था ये देखो कैसे देख रहा है हारिस को इधर आओ मैं तुम्हें खा जाऊँ मुझे भूख लगी है <laughs> नहीं ये वाला और ये ये डिफरेंट कर देते हैं ये ऑप्शन बंद कर देते हैं क्योंकि इसमें सर बहुत बड़े हैं ये देखो ज़रा हारिस कितने बड़े बड़े जम मार रहा है ओह माय गॉड ये तो इतने बड़े बड़े जम मार, oh मार के गुजर गया अब मैं भी देखती हूँ ये ना मैं स्लिप कर जाऊँ मी सी जंप एंड जंप जंप मैं गुजर गई ये तो इतना ज़्यादा डार्क हो गया वेट लेट मी सी मेरे बैक पैक में ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं थोड़ी रोशनी कर सकूँ लाइटर है देखिए लाइटर से कितना प्यारा हो गया हाँ नज़र तो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा लेकिन ऐसा करते हैं हेल्पर से कह देते हैं टेंट बनाए ये देखिए हेल्पर से कह रहे हैं ये टेंट बनाएगा इसको लिख के देना पड़ता है यह हमारी ना जुबान नहीं यानी कि बोलता है। ये देखो टेंट बनाएगा पहले ये बिछाएगा ये देखो कैसे बिछाया और अभी ये ना लकड़ी लेने के लिए ले गया ये देखो <coughs> ये लकड़ी लगाएगा और फिर यहाँ पर सोते हैं और फिर सुबह होती है वेट पहले हारिस याम पे नाम ये देखो इसको मैं कुछ को नहीं जाओ जाके सो जाओ ये जाके सो रहा है। हारिस याम पे आग लगा रहे हैं ताकि थोड़ी सी रोशनी हो ये देखो हाँ ये रोशनी कर दिया और ये सो गया है इसका नाम है कैलवन जाके सो गया अब यहाँ पे जब टेंट बना लिया जाए ना तो यहाँ पे सेफ कर सकते हैं ईद उबा के और अगर वाई दबाए तो सुबह हो जाती है तो हम इसको सेव भी करते हैं और वाई भी दिखाते हैं वाई भी दबाते हैं हाँ तो अब हो गई है सुबह सुबह हो गई लेट मी सी हम लोग रोशनी छोकर है रोशनी हो गया हाँ हम भी ये इसने इतनी बड़ी जम मारी है मेरे सर के ऊपर से हूँ गॉड इतनी बड़ी जम मार दी चले आगे चलते हैं और यहाँ पे घर बनाते हैं घर बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए इसके लिए ऊपर जाना और इसको हमने ड्यूटी लगाई है कि फ़िश पकड़ के लाना है और कि मुझे फिश नहीं देगा मैं इसके सामने खड़ी हो जाऊँगी ना मुझे फ़िश नहीं देगा जब हारिस आएगा ना ये देखो मैं हारिस को कहती हूँ आ जाओ हारिस ये देखो फिश नीचे गिरा दिया हारिस के कहने पर दीदी ये कैलवन मुझे नहीं देगा चाहे जो मर्जी कर लो हाँ अब फिश कैसे खाते हैं आगे देखते हैं लेट मी सी ये देखो ये ईद उबाएँगे हाँ ये मय यम यम ई कच्ची मछली खा गया भुला आ गया लेट लेटमी फायद ऐसे करते हैं एक और भी था इसको भी मार दिया इसको हारिस ने इतना मारा कि इसका बाजू अलग हो गया हाँ ऐसे मजे की चीज़ है कि इसका ना उठा भी सकते हैं इतना खून नीचे गिरा हुआ है चलें इसको ले लेके फिरते हैं आगे लेके चलते हैं लेकिन मेरे हाथ वगैरह सारे गंदे हो गए इसको ऐसा करते हैं नीचे फेंक देते हैं इसमें से अभी तक खून निकल रहा है चलो खैर आगे चलते हैं घर बनाते हैं झरझ अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे बनाएंगे स्टेयर्स अब इस गेम में हम भी न्यू हैं स्टेयर्स बनाना अभी नहीं आता मुझे कुछ भी नहीं आता लेट मी सी ये देखो हार कितनी अच्छी लकड़ी और वो बना रहा है मैं भी लकड़ी तोड़ के देखती हूँ अरे ये क्या <laughs> मार मार के तक से <laughs> लगता ही नहीं है ए निशाना लगाती हूँ ओ माई गॉड आए ये अब निशान आया अब मारती हूँ अब टूटा वैसे कितनी टूटता ही नहीं लकड़ी में से हाँ चलो ये देखो स्टेयर्स बन रहे हैं अभी और लकड़ियों की ज़रूरत है बेचारा बनाता जा रहा है मैं खाली चलो मैं भी लेके आती हूँ लकड़ियाँ एक उठाती हूँ नहीं दो दो उठाए जाते हैं वाह चलो ये नीचे फेंको फेंका इसका नीचे नीचे नहीं नी फेंकता नहीं इसने तो बना ही दिया ये देखो सीढ़ियाँ बन गई हाँ तो ऊपर भी चढ़ गया खैर ये देखें सीढ़ियां बन गई और इन लकड़ियों को यहाँ रख देते हैं तोड़ते हूँ और बात है कि मेरे से टूटती नहीं है चलो कोई नहीं कभी न कभी तो आ जाएगा मुझे तोड़ना ये हारस मुझे सुखा रहा है, लेकिन वो खैर उठा के लेके कहता है ये इस इनसे नहीं टूटना चलो उसने वहाँ जा कर लगा दिया वैसे मेज से लकड़ी नहीं टूटती फिर ले कर आती हूँ ठैरो अब मुझे लग लगी है तो यहाँ पर सीगल्स हैं इनको ज़रा मारने कुछ करती हूँ और ठैरो ऐसी की तैसी हाँ ये मर गई अब यहाँ पर ईद उबाएँगे और देखेंगे कि इसमें से कितना गोश्त निकलता है ऐसे आँह इतने बड़े सीकल से इतना सा गोश्त और कुछ तोड़ता है ये टर्टल है लेट मी सी टर्टल क्या है शेल जो है ना ये भी काम का है इससे ना इससे क्या करते हैं कि पानी जमा करते हैं जब बारिश होती है ना तो बारिश का पानी यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं तो इसका शेल उतारते हैं सबसे पहले कितना गंदे काम कर रही हूँ खैर लेकिन फॉरेस्ट में ऐसे ही करना पड़ता है और ये देखें हारिस को एक और बंदा मिल गया बेचारा पहले से ही मर चुका है हाँ चलें तो ऐसी चीज़ें उठा लेते हैं इसके काम की कोई चीज़ें यह ये बोतल नहीं उठाई जा रही है मैं सोची थी बोतल में बंदा उठा ले लेकिन नो सारा कुछ ही है ये भी नहीं इसके पास कुछ भी नहीं है आ, ये है थोड़ी सी चीजें ये हर चीज जो है ना ई बाग है उठानी है ठरा 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 ये भी उठा लिया बैक पैक नहीं उठाया जा रहा खोला ही नहीं जा रहा अब हम अपने मिशन पे जा रहे हैं ये है मिशन के हमने बोट पे जाना है और आगे कुछ नजर आ रहा है ओ मैं, मैं तो नहीं आगे जा रही हूँ मैं जा रही हूँ वापस फिर हारिस तो आगे बोर्ड पे ही है लेकिन मैं नहीं जा रही पागो यहाँ से भागो भागो पाको हारिस को पिस्टल मिल गया है वो कह रहा है आ जाए मैं आपको बचा लेता हूँ मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ उसने शार्क को पिस्टल से मार दिया लेकिन वो और बात है कि ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा है यस इधर से चढ़ा ये कितनी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा है फाइनली मैं अंदर घुस गई लो पहुंच गई हूँ अब क्या क्या है यहाँ पर देखें ये चीज़ मिली है पिस्टल मिल गई है मुझे ये देखें, ये मेरे बैकपैक पैक में आप मेरे पास भी पिस्टल है ये पिस्टल। तो so, अब हम आइलैंड में दोबारा आ गए हैं और मेरा बैकपैक पैक देखें बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं हाँ यहाँ पे ना चीज़ें कंबाइन भी कर सकते हैं जैसे लकड़ी लकड़ी मैं आपको कंबाइन करा करके दिखाती हूँ लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये जो लाइट्स हैं ना इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं इंटरेस्टिंग है ना लेकिन कोई भी लाइट मुझे अच्छी नहीं लग रही है सवाई ये थोड़े से हाँ लाइ ये बेहतर है अब हम कंबाइन करते हैं लकड़ी और इस कपड़े को इसको क्लिक करेंगे ये देखें ऐसे ये बनाएगा और इसका ये फ़ायदा होगा कि अंधेरे में हम इसको यूज़ करेंगे हाँ इसको जलाएंगे टॉर्च के साथ लाइटर के साथ खैर लाइटर के साथ और हाँ अब रोशनी ज़्यादा है अब हम अपने घर के पास जा रहे हैं वन जा के हम रेस्ट करेंगे वो देखो कैलविन पहले का रेस्ट कर रहे हैं साइड पर ये हारिस कुछ बना रहे हैं ये कैलविन सो रहे हैं उसके रात हो गई भी है इसके साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफिज